स्टेबोसिस 500 mg टैबलेट इससे लारियन फार्मा द्वारा बनाया जाता है। इसका जो पैक है वह 10 टैबलेट का कॉस्ट इसका 38 रुपीज है। तो किस तरह की समस्या में डॉक्टर आपको इसे रिकमेंड करते हैं या कब आपको इसे लेना चाहिए, क्या फ़ायदे मिलते हैं जब इसका इस्तेमाल करना स्टार्ट करते हैं और क्या साइड इफेक्ट देखने को मिलता है। तो अगर आप पूरी जानकारी हिंदी में रखना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहें, और फ्यूचर में अपने आप को अपडेटेड रखना चाहते हैं बहुत सारे मेडिसिन से जुड़ी जानकारी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो सेबोसिस 500 mg टैबलेट के अंदर जो मॉलिक्यूल है सोडियम बाइकार्बोनेट है। जब आपको इंडाइजेशन की समस्या रहती है जिसमें आपका सीना जलता है, आपको कच्ची ढिकार आती है और जैसे कि बार बार आपको जैसे कि गैसेस बनती है आपके पेट में, एसिडिटी की मात्रा होने की वजह से सीना जलता है, तब इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसका इस्तेमाल इस तरह की समस्या में भी किया जाता है जब आपको मेटाबॉलिक एसिडोसिस हुआ है और डायबिटिक किटोसिस हुआ है या जैसे कि यूरिन एल्कलाइनाइजेशन हुआ, डिस्पेप्सिया हुआ, हाइपरकैलेमिया एंड जब हुआ है तब इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि हाई एसिड लेवल होने की वजह से जब आपके पेट के अंदर आपके यूरिन के अंदर जैसे कि हाई एसिडिटी होने की वजह से, तो उस समय भी इसे न्यूट्रलाइज करता है और ये साथ में हेल्प करता है आपकी जो पीएच मेंटेन रहे आपका यूरिन का और आपका ब्लड का। तो ये हेल्प करता है जैसे कि पॉइजनस कोई चीज़ ले ले रहे तो उससे जो कि डिस्चार्ज करने में निकालने में हेल्प करता है। तो अगर आप इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं अगर जैसे कि इस तरह की समस्या में, तो एक बार डॉक्टर से ज़रूर इसके बारे में आप डिस्कस करें। बिना डॉक्टर की सलाह से इसे इस्तेमाल ना करें। अगर आप करेंगे तो हो सकता है कॉमन साइड इफेक्ट देखने को आ सकता है जिसमें हो सकता है कि आपको गैसेस बन सकती है, कच्ची ढिकार आ सकती है, उल्टी आ सकती है, डायरिया भी महसूस कर सकते हैं। ये सारे इसके कॉमन साइड इफेक्ट रहते हैं। तो इसका इस्तेमाल तभी करना जब आपको समस्या रहे तभी, बिना डॉक्टर की सलाह से इसे इस्तेमाल ना करें। तो इसका जो डोजिंग रहता है कभी कभी ट्वाइस डेली रहता है और कभी कभी इसे एक दिन में ही आपको 4 टैबलेट डॉक्टर लेने के लिए बोलते हैं। तो जिस तरह से डॉक्टर आपको इसे एडवाइज करते हैं आपको, आप उसे ज़रूर फॉलो करें। इस टैबलेट को खाना खाने के बाद या खाना खाने से पहले भी ले सकते हैं। तो जहाँ तक आप खाना खाने के बाद लें ताकि बेस्ट रिजल्ट इसका मिले। तो अगर आप वीडियो चैनल पर पहली बार विजिट किया, वीडियो आपको जरा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगे हैं तो एक लाइक कर दीजिएगा। फ्यूचर में अपडेटेड रहना चाहते हैं मेडिसिन से जुड़ी जानकारी से और मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। यह वीडियो एजुकेशन नॉलेज पर्पज़ के लिए बनाई गई। तो फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।